आइसक्रीम लगभग सभी को पसंद होती है और सभी उसे खाने में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। और आइसक्रीम जो रखी जाती है वो फ्रिज में रखी जाती है अथवा आइसक्रीम की जो ठेले होते हैं वहाँ पर रखी जाती है। और जहाँ पर भी आइसक्रीम रखी जाती है उसका जो टेम्परेचर होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जाता है, अदरवाइज़ आइसक्रीम पिघल सकती है। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक दिखा रहा हूँ जहाँ पर आइसक्रीम रखी हुई है और जहाँ फ्रिज नहीं है ना फ्रीजर है। और यहाँ आप देख सकते हैं जो आइसक्रीम को रखा गया है वह एक नेचुरल टेक्निक पर रखा गया है। यहाँ फतेहपुर सीकरी दरगाह परिसर में एक चाचा हैं जो आइसक्रीम रखे हुए हैं और इन्होंने नेचुरल टेक्निक से उसे ठंडा रखा हुआ है। इस आइसक्रीम को पिघलने से बचाने के लिए आइसक्रीम को चारों ओर से एक वाइट पेपर से कवर किया गया है और वाइट पेपर के चारों ओर कंबल यानी ब्लैंकेट को लपेटा गया है। इससे यह आइसक्रीम एयर टाइट रहती है और पिघलती नहीं है। चाचा ने जो आइसक्रीम रखी हुई है वह कंबल और अखबारों के बीच में रखी हुई है, तो मैं चाचा से कुछ सवाल पूछना चाहूँगा कि चाचा जी आप ये आइसक्रीम रखते हैं तो कितने घंटे तक ये ठंडी रहती है इस टेक्निक? 10 घंटे। गर्मियों सर्दियों में दोनों सीजनों में 10 घंटे या अलग अलग टाइम पर? नहीं, 10 घंटे। बिल्कुल नहीं पिघलती है? थोड़ी पिघल जाती है। नहीं, तो ये आप जमाते कहाँ पर है फिर इस आइसक्रीम को? गाँव में। अच्छा, फ्रिज में या मतलब किसी? नहीं, इसकी भाप से बनती है जी, आग और पानी से। आग और पानी से बनती है, तो जमती कैसे फिर ये? भाप से, स्टीम से। स्टीम से जम जाती है? इसमें यही तो टेक्निकल है। स्टीम से जम जाती है? स्टीम से बनती है सर ये। और ये आइसक्रीम कितने रुपए किलो देते हैं आप अंकल? 300 रुपए किलो। अच्छा, बढ़िया। चाचा जी ने आइसक्रीम को जमाने की बहुत ही यूनिक और अविश्वसनीय टेक्निक बताई है। मैं किसी दिन चाचा जी के गांव जाऊंगा और देखूंगा और आपको भी दिखाऊंगा कि बिना फ्रिज के चाचा जी आइसक्रीम कैसे जमाते हैं। दोस्तों, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।